हेलो एवरीवन माय नेम इज सौरभ और आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज डिस्कस करेंगे इससे पहले एक वीडियो मैं और बना चुका हूं अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देखे हुए सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्रैंगल का सिमिलर ट्रैंगल अगर कोई दो ट्रैंगल सिमिलर होगा तब क्या होता है जैसे कि ए बी सी एक ट्रैंगल है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास एक और दिया हुआ है डी एफ -E तो यहाँ पे गिवन क्या है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके डी एफ -E के तो इसमें क्या होता है ए बी का स्क्वायर अपॉन इसके जस्ट सामने वाला स्क्वायर क्या है डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डिवाइड में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ नेक्स्ट मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इक्विलेट्रल ट्राइंगल पे है इक्विलेट्रल ट्राइंगल इक्विलेट्रल ट्रैंगल क्या होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं देखिए एक ट्रेंगल दिया हुआ है इक्विलेट्रल ट्रेंगल ए बी सी और इसके तीनों साइड्स सब साइड क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं तो इक्विलेट्रल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर इट मीन्स रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर और इसका हाइट पूछता है आपसे इसका हाइट इसको एच ले लेते हैं हाइट को तो अगर हाइट इसका पूछे इक्विलेट्रल ट्रेंगल का तो इसका फॉर्मूलाता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड या रूट थ्री बाई टू ए लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा इन रेडियस इसी में इक्विलेटरल ट्रेंगल में ही देखते हैं इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है तो इन रेडियस होता है ए बाई टू रूट थ्री इन रेडियस अब इन रेडियस होता क्या है तो ये देख लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रेंगल दिया रहेगा आपके पास ए बी सी और इसके अंदर में एक सर्किल इंस्क्राइबड है इसको बोलते हैं इन सर्किल और ये सेंटर दिया हुआ है इस सर्कल का तो यहाँ से यहाँ से और ये ये सब क्या होगा इन रेडियस और इन रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आप निकाल लेंगे ए बाई टू रूट थ्री से ए क्या होता है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रैंगल तो इस तरह से निकाल सकते हैं नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला है सरकम रेडियस का तो सरकम रेडियस क्या होता है देखिए सरकम रेडियस इसको बोलते हैं सरकम सर्किल ट्रैंगल के बाहर जो सर्किल होता है उसको क्या बोलते हैं सरकम सर्किल सेंटर से यहां तक के रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर दे रहे हैं तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा ए बाई रूट थ्री तो ये किसका फॉर्मूला है सरकम रेडियस का इक्विलेट्रल ट्रायंगल का मान लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और सेंटर नहीं कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर में कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं वो ही ले लेते ले हैं ले, लेकिन ये सेंटर नहीं है ट्रायंगल का तो यहाँ से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गया है इस पर तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर का लेंथ मान लेते हैं पी वन पी टू और पी थ्री तो परपेंडिकुलर का लेंथ दिया रहेगा आपसे पूछेगा कि साइड निकालिए किस इस ट्रेंगल का तो साइड का फॉर्मूला होता है टू बाई रूट थ्री पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री तो इससे क्या है हम डायरेक्ट साइड निकाल सकते हैं यहाँ पे पी वन पी टू क्या है परपेंडिकुलर से एक और फार्मूला है मीडियन सॉफ्ट ट्रैंगल पे मीडियन क्या होता है किसी भी ट्रैंगल का एक वर्टेक्स से जैसे ए बी सी एक ट्रेंगल है तो मीडियन क्या होता है लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेंगल सपोज कर लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है डी बी सी का तो ये मीडियन होता है वर्टेक्स से मिड पॉइंट को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन इस ए डी को मीडियन बोलते हैं वैसे ही इसका मान लेते हैं ये डी एक डी ई एफ ले लेते हैं और ये क्या हो गया ये तीन मीडियन ले लिए ए डी बी और सी एफ ये तीनों क्या है मीडियंस है तो आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन ये रहेगा कि तीन मीडियंस दिया रहेगा किसी भी ट्रैंगल का और पूछेगा कि एरिया क्या होगा इस ट्रैंगल का जैसे सपोज कर ले इस मीडियन का लेंथ ले लेते हैं इसका ए ले लेते हैं इसका बी लेते हैं किसी का सी ले लेते हैं तो एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है फोर बाई थ्री रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अब ये सब क्या है एस तो एस होता है सेमी पेरीमीटर है ना सेमी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर का हाफ और ए बी सी क्या होता है ये हिरोस फार्मूला का यूज़ करके इसका हम निकाल सकते हैं तो मीडियन जब भी दिया रहेगा आपको क्या करना है हीरोन्स फार्मूला से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे है ना और एरिया जब निकल जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फोर बाई थ्री से इस पर क्या क्वेश्चन आता है राइट एंगल ट्रेंगल, ट्रेंगल पर देखिए जैसे कोई एक ट्रेंगल दिया रहेगा आपसे ये ए बी सी क्या है एक राइट एंगल ट्रैंगल है और बी पे 90 डिग्री है और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं बी डी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं और इसका लेंथ मान लीजिए सिक्स दिया हुआ है इसका एट दिया हुआ है और ये टेन दिया हुआ आप है आपसे पूछेगा बी डी का लेंथ फाइंड कीजिए तो बी डी का लेंथ क्या होगा ये परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बी डी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे बी सी डिवाइड बाई क्या कर देंगे ए सी तो इस फार्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट बी डी का लेंथ तो बी डी का लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ से एट सिक्सा फोर्टी एट बाई टेन यानी फोर पॉइंट एट हो जाएगा जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा तो इस तरह से निकाल सके कब केस में जब ये दोनों अन इक्वल रहेगा और इक्वल वाला तो बहुत ईजी है अगर ये इसी में अगर आपको ये रहता ऐसे कोई एक ट्रेंगल दिया रहता राइट एंगल ट्रेंगल मान लेते हैं ए बी सी और बी डी क्या है परपेंडिकुलर है अब इस केस में क्या दिया हुआ है ये लेंथ इक्वल दिया मान लीजिए सिक्स है ये भी सिक्स जब भी ये इक्वल दिया रहता है तो उस केस में क्या होता है कि जो ए डी का लेंथ होगा अगर ये मान लेते एक्स होगा ए डी तो ये भी क्या होगा डी सी भी एक्स होगा और बी डी भी क्या होगा एक्स होगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं जब ये इक्वल दिया रहेगा तो इससे थ्योरम का यूज करके आप ए सी निकाल लेना ए सी जब निकल जाएगा तो उसका हाफ़ कर देंगे तो ये क्या होगा ए डी और वही क्या होगा डी सी और वही क्या होगा बी डी तो इस केस में हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी ये तीनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसी इसके बेस बी सी से एक यहाँ पे हम एक एंगल बना रहे हैं कुछ भी नाम दे देते हैं मान लीजिए बी ई e दे, दे देते हैं तो ये जो एंगल है सिक्सटी डिग्री मान लेते हैं ए तो ये एंगल कितना होगा तो इसका हमेशा हाफ होगा ये क्या होगा थर्टी डिग्री तो लिख सकते हैं एंगल ई e बराबर हाफ एंगल ए तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अब क्वेश्चन कैसे आता है कि कभी कभी तो ये पूछ लेगा ये एंगल का वैल्यू क्या होगा तो डायरेक्ट आपको हाफ करना है और कभी कभी क्या करेगा ये दिया रहेगा ये पूछेगा तो इसका डायरेक्ट आप इसको डबल कर देंगे तो ये निकल जाएगा अब देखते हैं मीडियन के बेस पे क्वेश्चंस कैसे आता है मीडियन पे क्वेश्चन मीडियन से रिलेटेड तो जैसे सपोज कर लेते हैं ए बी से एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ से इसका तीन मीडियन दिया हुआ है डी ई एफ तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियंस होता है इस ए डी को कितने रेशियो में डिवाइड कर, करता है टू इज़ टू वन वैसे ही ये ये सपोज़ कर लेते हैं कि जी है पॉइंट तो बी जी इज टू जी क्या होगा ये भी क्या होगा टू इज टू वन तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ए डी का लेंथ दिया रहेगा सपोज के लिए कि ए डी का लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है नाइन सेंटीमीटर ठीक है अब आपसे बस ए डी का लेंथ दिया रहेगा और पूछेगा कि ए जी का लेंथ क्या होगा या जी डी का लेंथ क्या होगा तो इसको कैसे निकालेंगे तो ये टू पार्ट होना चाहिए ये क्या होना चाहिए वन पार्ट इट मीन्स कि टू प्लस वन क्या हुआ थ्री थ्री पार्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे नाइन तो वन पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा नाइन अपॉन थ्री यानी थ्री सेंटीमीटर तो एक पार्ट का वैल्यू यानी जी डी क्या हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर और दो पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा सिक्स तो ए जी क्या हो जाएगा ए जी हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर तो एक तो ये हो गया और इस रेशियो में टू इस टू वन में और दूसरा आपको ये जानना है कि कभी कभी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि जी बी डी का एरिया पूछ लेगा जी बी डी का एरिया और पूरे का एरिया दिया है ट्रेंगल का तो पूरे का एरिया मान लेते हैं दिया रहेगा ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर ए बी सी ट्रेंगल पूछ रहा है जी बी डी का एरिया बताओ तो ट्रेंगल जी बी डी तो इसका क्या होगा एक चीज़ जानना आपको जितने भी इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा ये मीडियंस जो होते हैं सब इक्वल एरिया में बांटते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको काउंट करना है कितने ट्रेंगल यहाँ पे छः एक दो तीन चार पाँच छः तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक का एरिया क्या होगा वन सिक्स ऑफ ट्वेंटी फोर यानी फोर सी एम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर अब मान लीजिए कि इसका एरिया क्या हो गया फोर अब एग्जाम में पूछ लिया क्या कि बी डी जी एफ का एरिया बताने के लिए तो इसका भी एरिया क्या होगा फोर और इसका एरिया क्या होगा फोर तो फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा एट तो जी बी डी जी एफ का एरिया क्या हो जाएगा एट सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये एक हो गया अब इसमें आपसे जितना पूछे इसका एरिया जिसका आप इसको ऐड करते जाओ फोर फोर एट प्लस फोर क्या होगा ट्वेल्व जो भी पूछे सिंगल पूछे डबल तो ये या एरिया का भी रेशियो पूछेगा उससे भी निकाल लेंगे फिर एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अगर इसी ये तीनों तो मीडियम था और जिस पॉइंट पर जब मिलता है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रॉयड तो यहाँ पर जी क्या है सेंट्रॉयड है अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिए एफ और ई e को और इस सपोज क्या लेते हैं ओ मान लेते हैं ये पॉइंट जहाँ मीट कर रहा है तो ए इज़ टू ओ जी का रेशियो क्या होता है ए ओ इज़ टू ओ जी इसको बोलेंगे थ्री इज टू वन तो इस पर भी क्वेश्चन आता है ए ओ इज टू ओ जी क्या होता है थ्री इज टू वन तो ये तो हो गया ट्राइंगल्स रिलेटेड और मीडियम्स रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट है हम रोम्बस के बारे में जानते हैं रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए इस पर भी क्वेश्चन आता है कभी साइड पूछ लेगा कभी डाइगोनल्स का लेंथ पूछ लेगा सब एग्जाम में आता है रेलवे बैंक एसएससी सब में आता है देखिए रोम्बस का क्या होता है सब साइड्स इक्वल होते हैं पहला चीज़ दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रोमबस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन याद रहे कि रोमबस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सपोज और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सपोज के लिए ओ पे मीट कर रहा है तो ए बी क्या एक ना राइट एंगल ट्राइंगल सब जगह नाइन्टी डिग्री और ओ डी ओ डी इक्वल टू क्या होना चाहिए ओ बी वैसे ही ओ ए इक्वल टू क्या होगा ओ सी तो ये तो हो गया अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है कभी पूछ लेगा डायगोनल फाइंड कीजिए या साइड फाइंड कीजिए ये दिया रहेगा ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं या दोनों डाइगोनल्स दिया रहेगा देखिए दोनों डायगोनल्स मान लीजिए कि सोलह है ये बारह दे दीगा तो सोलह और बारह दिया है तो सोलह का आधा क्या होगा आठ तो ये मान लेते हैं आठ होगा और बारह दिया था ये पूरा तो ये क्या हो जाएगा सिक्स क्योंकि छ छः होगा ना और ये एट एट होगा अब ये निकाल सकते हैं सिक्स है एट है तो ये क्या हो जाएगा साइड टेन तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये साइड पूछा तो ये क्या हो गया टेन इसके अलावा एरिया ऑफ रोम्बस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कभी डायगोनल्स दिया रहेगा एरिया कैसे निकालेंगे हाफ इंटू डी वन मल्टीप्लाइड बाई डी टू तो ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस के लिए नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का रोमबस का ए स्क्वायर साइन थीटा अब इसमें ए क्या होता है साइड गिवन रहेगा और ये एंगल होता है थीटा तो इससे भी आप निकाल सकते हैं मान लीजिए रोमबस रहेगा और ये डायगोनल है ये एंगल क्या दिया रहेगा थीटा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ए स्क्वायर साइन वो भी एरिया ही देगा एक और देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल एट माइनर आर्क माइनर आर्क इज़ इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल होता है अब देखिए क्वेश्चन क्या है बता रहा आपको। एक सर्कल दिया है एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें टेंजेंट जो दिया हुआ है जैसे कि ये एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट ये दो टेंजेंट दिया हुआ है सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है और यहाँ से इसको ज्वाइन किए हुए तो ये मान लीजिए कि कुछ भी ले लेते हैं जैसे P मान लेते हैं Q मान लेते हैं ये R ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे इसको भी ज्वाइन किया हुआ है ये S तो क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है ट्वेंटी डिग्री आपको फाइंड करना है पी एस क्यू अब ये कैसे निकालेंगे ये ट्वेंटी डिग्री दिया हुआ है और ये है, रेडियस है ओ पी क्या रेडियस है ओ क्यू भी रेडियस है तो आपको बताना है पी एस क्यू का वैल्यू क्या होगा तो पी एस क्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक दो चीज़ आपको जानना होगा जो भी रेडियस होता है रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस इज़ ऑलवेज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ये भी क्या बनाएगा 90 डिग्री और ये 20 था तो हम जान रहे हैं कि ओ पी आर क्यू एक क्वाडिलेट्रल हो गया क्वाडिलेट्रल में अगर ये 90 है ये 90 क्या हो गया 180 तो आर प्लस ओ का ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए वन एट्टी इट मीन्स कि ये ट्वेंटी है तो ये क्या होगा सिक्सटी डिग्री ये सिक्सटी होगा तो बाहर का एंगल क्या हो जाएगा टू हंड्रेड क्योंकि पॉइंट के लॉन्ग जो एंगल होता है क्या होता है पॉइंट के लॉन्ग एंगल क्या होता है थ्री सिक्सटी डिग्री तो ये टू हंड्रेड है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया और इसी का ये हाफ हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा हंड्रेड डिग्री तो इस तरह से निकालेंगे एंगल एट माइनर क्या होगा हाफ इंटू रिफ्लेक्स एंगल कुछ नहीं करना है सिंपल ये ट्वेंटी ये क्या हो गया वन सिक्सटी ये पता कर लेंगे कितना हो जाएगा टू हंड्रेड और टू हंड्रेड का हाफ क्या हो जाएगा हंड्रेड तो ये होता है और बाकी और भी चीज़ें होती है प्रॉपर्टी अगर इसको मिला दें यहाँ पे देखिए इसको मिला देंगे तो एक और कॉन्सेप्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये सेंटर पे इस आर्क से कितना एंगल बन रहा है 160 तो सेम आर्क से सेंटर पे बने और उसी आर्क से वर्टेक्स पे भी बने एंगल तो वर्टेक्स वाला एंगल क्या होता है सेंटर वाले का हाफ होता है तो ये एंगल क्या होगा एट्टी डिग्री मतलब ये एंगल क्या हो गया एट्टी डिग्री जैसे मान लेते हैं पी क्यूँ तो ले लिए हैं पी टी क्यू पी टी क्यू क्या होगा 80 डिग्री हो जाएगा और ऐसे भी चेक भी कर सकते थे कि ये 100 है और ये एक साइक्लिक साइकिलिक्वाडिलेटर हो गया साइक्लिक क्वाडिलेटर क्या होता है जिसके चारों बर्डिस पे पेलाई करते हैं तो ये प्लस ये साइक्लिक साइकिलिक्वाडिलेटर का अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया यहाँ पर वन डिग्री हो गया सो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताएँ और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं बाकी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स जल्दी अपलोड कर लूँगा सो थैंक यू फॉर वाचिंग।